प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन सियासी दिन है। एक तरफ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर वोटिंग हो रही होगी और दूसरी तरफ पंजाब में नए वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो आवाम के सवालों के जवाब दिए हैं उसमें उन्होंने बड़े एतमाद के साथ कहा कि कल अपोजिशन को शिकस्त देने जा रहा हूँ और कल कौम खुशियाँ मनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कप्तान के पास हमेशा प्लान होता है लेकिन मेरे पास कल एक से ज़्यादा प्लान हैं और वो कल सामने आएंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि वज़ीर आज़म के पास प्लान्स क्या हैं और वज़ीर आज़म का जो पास प्लान है क्या वो तकनीकी बुनियादों पर है, क्या आईन और कानून का इस्तेमाल करते हुए वो अपने प्लान को बुरेकार लाएंगे या आम सादा तरीके से वो कौमी असम्बली में अपने मुखालिफिन को शिकस्त दे देंगे महज नंबर गेम्स के ज़रिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वज़ीर आज़म का प्लान क्या है। लेकिन जो कई कानूनी और आइनी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जैसे आर्टिकल 6 का जिक्र हो रहा है कि साजिश करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि फवाद चौधरी वज़ीर कानून है, वो भेजें मुझे असम्बली में, साइन करूँगा बतौर वज़ीर दाखिला। और अलावा बात हो रही है कि आर्टिकल 94 के ज़रिए क्या अगर नए वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने में ताखीर होती है तो क्या पुराना वज़ीर आज़म वही कंटिन्यू करता है सदर के अहकामात पर, इसका तरीकाकार क्या होता है। फिर इसके अलावा पंजाब के हवाले से कई सवाल पैदा हुए हैं कि क्या उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा है वो गैर आइनी है, इस पर मुतालबा हुआ कि उनको दोबारा इस्तीफ़ा पेश करना चाहिए ताकि टाइम मिल जाए। और इसके अलावा आज एक पटिशन दायर की गई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की जो 25 मार्च को उनको अदालत में पेशी के बगैर प्री अरेस्ट बेल मिली थी उस पर FIA की जाने से मौकिफ इख्तियार किया गया है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है और इनकी बेल फौरन कैंसिल की जाए। उस पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी जल्द होने वाली है। तो आइनी और कानूनी तौर पर प्लान्स क्या हो सकते हैं इमरान खान साहब के पास, और एक सवाल है कि क्या कल वज़ीर आज़म जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं करेंगे, यानी स्पीकर साहब नहीं करेंगे। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आइनी और कानूनी माहरीन का ही एक पैनल मौजूद है, मैं तारुफ कराता हूँ। अज़र सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अज़र सिद्दीक साहब। आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब जो हैं, ज़रा उनका मौक़िफ़ सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लग सकता है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा है। जो साजिश तैयार हुई और वहाँ पे बाहर से पैसे भी लिए गए 15 अरब रुपए, तो क्या FIR दे रहे हैं जो गद्दारी का मुकदमा है आर्टिकल 6 के तहत? मुझे तो भेजे फवाद, लॉ मिनिस्टर है, मैं अभी दस्तखत करूंगा, आज शाम 12 बजे तक मैं हूं, अभी भेजे फवाद चौधरी, मैं अभी बगावत पे साइन करूंगा। जी आरिफ चौधरी साहब, जिन लोगों ने साजिश की है, साजिश में शरीक हुए हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्या आपके ख्याल में हुकूमत इस ऑप्शन की तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। हुकूमत जो है ये अब तक तो इन्होंने ऐसे ही गुजारा किया इसी तरह के लोगों पर, उस चाहे वो शेख रशीद हो या इनके कानूनी और आइनी माहरीन हो, खास तौर पर जिन्हें आज इन्होंने वजीर कानून भी बना दिया है। और उसकी वजह यह है कि वो जो बात करते हैं उसका ना आइन से कोई ताल्लुक होता है ना हकीकत से कोई ताल्लुक होता है, बस वो कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि वजीर आज़म भी बहुत यानी खुश होते हैं उनकी इस तरह की बातों से, और मैंने ये देखा कि ये पहले वज़ीर आज़म या सियासी लीडर ऐसे नहीं है जो इन बातों से खुश हों। हमेशा हर तरह के सियासी लीडर जो है वो इस तरह की बात से ज़्यादा, यानी खास तौर पर जो हुक्मरान होते हैं उन्हें इस तरह की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और इस तरह की बातें आपके ख्याल में नहीं लग सकता आर्टिकल 6 मुमकिन नहीं है ना? उसकी वजह यह है कि ये आर्टिकल 5 में जो डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरता, इस तरह कर रहे हैं। और ये डेस्परेट एफर्ट्स है कि लास्ट इस तरह की चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूर की कोड़ी ले आए हैं कि जनाब वहां से साजिश तैयार हुई, और फिर यानी ये तो एक ऐसी चीज है जब, और इस तरह भी नहीं है कि डायरेक्ट इसकी FIR लिखी जा सके, बाकी सारे दोस्त भी इस पे वजाहत करेंगे, लेकिन मसला ऐसा है नहीं कि आप फौरी तौर पर यानी इससे बचने के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, राइट सर? मैं बाकी मेहमानों की भी जरा राय ले लूं, फिर मैं अगले सवाल पर आता हूँ। अज़र सिद्दीक साहब, ये हुकूमत ने जो एक कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास के बाद एक मरासला जारी हुआ, उससे अंदाजा हुआ कि सब लोग इस बात पर तो मुत्तफिक थे कि एक गैर मुल्की मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में ज़रूर हुई है।
अगर यह साबित होता है कि मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में मौजूद लोगों की मदद के साथ हुई है, तो क्या आपके ख्याल में आईन की रोशनी में, कानून की रोशनी में ये एक साजिश है, और क्या इसके नतीजे में आर्टिकल 6 जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया असद साहब, मैंने भी शेख रशीद साहब की स्पीच सुनी है, उन्होंने लफ्ज बगावत इस्तेमाल किया है, ट्रीजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे भी याद रखिए कि आइन का आर्टिकल 6 वर्जन पे और उस पर अपना एब्रोगेशन के ऊपर आइन पे अगर आइन आप तब्दील करते हैं, आइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो फिर आर्टिकल 6 का तब इतलाक होता है। इस पर इतलाक होता है सेक्शन 124A का, जो सेडिशन की बात भी करता है, जो ट्रीजन की बात भी करता है, कि जब आप एक मुंतखब हुकूमत के अगेंस्ट कोई ना कोई साजिश करें, और वो साजिश 3-4 चीजों से बड़ी बढ़ती है। एक तो हुसैन अकानी का अगर रिकॉर्ड देखें, 3 तारीख को मिलता है, 4 तारीख को वो एक मरासला जारी होता है खत की शक्ल में। हुसैन अकानी का मेमो गेट स्कैंडल आप लोगों को याद होना चाहिए, वो सिर्फ एक ना एक मरासला छोटा सा साइन एक लेटर था, अब अनसाइन लेटर नहीं है, ठीक है ना जी। अब आपके सामने एक बात, वो लेटर है और उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा कह भी दिया आपके सामने के, मान भी लिया उसको, फिर उन्हें कुछ चेन ऑफ इवेंट तो आप पीछे जाकर देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा इस बात का। हारून का कॉलम है, अंतार अब्बासी साहब का कॉलम है, फिर ख्वाजा आसफ की जो बातें गई हैं, फिर खास तौर पर अपना शहबाज शरीफ की तकरीर है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बैगर एंड चूजर के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो बातें उसमें की हैं, अच्छा फिर यहीं भी नहीं रहना आपने, अरशद शरीफ साहब ने तो जो अमेरिकन एम्बेसडर है या उन चीजों के हवाले से बहुत तफसीलात दिला दी, फिर 2 मुल्कों के और एम्बेसडर हैं कि जिन्होंने बाकायदा जो है ना मुलाकातें की, क्या मकसद था इन सबका मुलाकातों का, और उसके पीछे जितने जिन लोगों से मिले हैं ना उनका नरेटिव क्या, यानी पीपुल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जवाब अहमद जो गालबन इनसे हट गए हैं साइड भी हो उनसे कैपेसिटी। अच्छा आरएसएल साहब, आरएसएल साहब ये बताएं कि ये जो एक ऐसा बजाय लग रहा है ऑप्शन ये है कि हुकूमत जो है या स्पीकर साहब जो हैं वो वोट काउंट नहीं करेंगे, और यही दलाइल जो हैं वो अटर्नी जनरल ने भी अदालत में खड़े होकर दिए हैं कि वोट डलेगा लेकिन वोट काउंट नहीं हो सकता, तो आपके ख्याल में वोट काउंट हो सकता है कल या वोट काउंट नहीं होगा मुनहरिफ अराकीन का? वोट उनका काउंट होगा, उसकी वजह ये कि ये बहुत पहले ऐसा था जब ओरिजिनली ये आया था यानी आर्टिकल, लेकिन असल बात यह है कि अब तो 18वीं तरमीम के बाद ऐसा नहीं है। वोट तो किसी का को भी वोट के राइट से रोका नहीं जा सकता, और जो वोट डाला जाता है वो काउंट होने के लिए डाला जाता है। और दूसरी बात यह कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रिलीफ मिल सकता था इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता था, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई तो वजाहत कर देती और इंटरप्रिटेशन इस अंदाज में कर देती कि अगर वोट इस तरह जिन पे, चूंकि मामला तो बड़ा क्लियर है ना कि इन लोगों ने सिर्फ जाके आप वोट ही यानी ना सिर्फ उन्होंने वोट पास करना, उन्होंने ये बताएं कि क्या अगर 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 कल मैं करूं कल अगर मुनहरिफ अराकीन वोट डालते हैं अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ और 2-4 दिन के बाद, जी मेरा सवाल यह है कि और अगले एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है ताहयात नाअहली का, या फर्ज कीजिए 5 साल की मुद्दत का की नाअहली का, तो वो कल के इस अमल पर इंप्लीमेंट होगा? देखिए बहुत यानी फिर तो सारा ही प्रोसेस जो है ना, अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो डाल एंड वार्ड डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह तो नहीं हो सकता। इसमें एक बात मैं आपको एक कर्ज करूं कि ये हुकूमत गई थी ना इसका की वजाहत के लिए, बहुत सारे लोग कहते थे कि जी इसकी वजाहत की क्या जरूरत है, आइन में तो लिखा हुआ है कि जनाब वो वोट जब कास्ट करेंगे तो उसके बाद उनके खिलाफ जो है अदमत बात में हिस्सा लेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इलेक्शन कमीशन को लिखा जा सकता है। असल बात यह है कि ये वो केस है जिसमें उन्होंने क्लियरली ऐलान कर दिया, दूसरे कैंप में बैठ गए। अब सिर्फ ये है कि क्या उन्हें आप इजाजत दे दी जाए कि जो काम जिसके लिए ये आइन आर्टिकल बना था 63A बुनिया, वो तो उसका मकसद तो ये था कि हार्ट स्टेडिंग को रोका जाए, फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए और इंस्टेबिलिटी ना होने दी। अब क्या उन्हें इस तरह की इजाजत दे दी जाए कि वो जाएं जाके वोट कास्ट करें, प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाए, इंस्टेबिलिटी आ जाए और उसके बाद फिर आप देखते रहें कि जनाब कितना वक्त लगता है उसको आगे चलाने में, तो ये बजाय।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि आईनी दस्तूरी और कानूनी तौर पर क्या रास्ता हो सकता है और जवाब क्या हो सकता है। जी, वो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस कैरी हो जाती है 94 का आर्टिकल, वो ये कि सदर उनको कह सकते हैं कि जब तक नया वजीर आजम ना आए उस वक्त तक जो ना आप बरकरार रहिए, ठीक है जी, और उसके बाद जो है ना वो फिर स्पीकर साहब और इसको जो है ना वो मुलतवी कर देते हैं एक एम्बिग्विटी का, एक अभाम का फायदा लेते हुए, और नए उसके लिए जो है नए प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है ना वो कहते हैं कि जी नहीं वो इसका पार्ट नहीं है, तो इसमें जो है ना फिर वो 14-15 दिन जो है वो इस मामले को डिले कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये मुमकिनात में है, मगर ये फिर अनफेयर हो जाएगा, कोई उनकी अपनी इज्जत के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर वो कुछ करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, कोई वायोलेशन करते हैं, तो वो जाहिर है फिर ये तारीख का हिस्सा बनेगा, फिर कौम उस पर अपनी राय रखेगी। मैंने एक जब आपके यहाँ डिबेट चल रही थी तो वो मेरे एक दोस्त ने ये फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा जो उसमें प्रोसीडिंग चल रही है तो कोई फैसले जो हुआ करते हैं कोई किसी किस्म के भी, वो फैसले जो है ना वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हुआ करते, वो प्रोस्पेक्टिव हुआ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी अदालत के, तो उसमें भी ये कह देना कि वो देखते हैं कि उम्र भर आने वाले वक्त पर इम्प्लीमेंट होंगे, जो गुजर गया है उस पे अप्लाई नहीं होंगे। वो जी मैं यही कह रहा हूँ, वो आने वाले वक्त के लिए हुआ करते हैं, और वो जो ओपिनियन उनका आएगा भी उसका कोई उनके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट उस तरह से शायद ना बने, तो स्टिल इट इज डिबेटेबल कि मगर जो मेरी राय है वो ये है। तो इसमें जो ना ये बात तो अब जो मुकदमे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो भी इतनी रेलेवेंट नहीं रही है, ये डराने के लिए था, उन जो अरकान है तकरीबन 2 दर्जन के लगभग, उनको डरा पाए ना डरा पाए या उनमें कितने लोग डरे या बाकी लोग जो फ्लोर क्रॉस करना चाहते होंगे उनको डरा के उन्होंने इस मुकदमे के हवाले से रोके रखा, ये अलग से एक हिस्सा रहेगा, मगर अब कल जो है ना पूरी कौम की नजरें जो है वो पार्लियामेंट की तरफ होंगी, उसमें क्या होता है और कौन जो पार्टी या जो मेंबर जो हरकत करेगा वो भी तारीख का एक हिस्सा रहेगी, और उसके हवाले से जो है वो कौम उसको याद भी रखेगी और उसके बारे में वो बातें जो है ना वो उसकी जिंदगी तक या उसके बाद भी बहुत सारी नस्लों तक शायद ये याद रखे जाए। तो इसलिए हमें मोहतात होकर जो भी करना है वो दस्तूर के दायरे के अंदर करना है, द मोमेंट हम बाहर जाते हैं तो ये खराबी पैदा करेगा। सही है। अब 2-3 चीजें हो गई, अजहर सिद्दीक साहब जरा अपनी राय दीजिएगा। एक तो आर्टिकल 94 जो है इसमें अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि जब तक नया वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेता तब तक जो पहले वाला वजीर आजम है वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये अखलाकी तौर पर सही नहीं होगा, ये क्योस पैदा करेगा, ये कामरान मुर्तजा साहब की राय है। और दूसरा ये है कि अगर जो मैंने पहले सवाल किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक हफ्ते के बाद आता है कि जी जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ यानी जो डिफेक्टर हो गए हैं वो 5 साल के लिए मिसाल के तौर पर वो नाहल हो गए हैं, तो ये आने वाले वक्त के ऊपर अप्लाई होगा, जो हफ्ता गुजर चुका है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, आपकी भी यही राय है? बहुत शुक्रिया। देखिए नहीं, पहली जो बात है कि ये केस जो गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो स्पीकर ने कुछ आरा ली है वजारत कानून के साथ या अटॉर्नी जनरल से, और यही इसी इलेक्शन के मुतालिक आरा ली गई है, इसका माजी से इतलाक कोई नहीं, पर इशू ये नहीं है, इशू इस बार यानी हारे की दो राय हैं। अपना कमरान मुर्तजा साहब का ये कहना है कि इसका इतलाक नहीं होना, मेरा ये बड़ा वाजे तौर पर है कि फ्लोर क्रॉसिंग और डिफेक्शन को जरा आपको क्लैरिफाई करना, और उसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, यानी एक वक्त था कि जहां जब डिफेक्शन की इजाजत थी, यानी आप इस तरह का डिफेक्शन कर सकते थे पार्टी से या फाट सकते थे और वो वोट भी क्रॉस हो सकता था। अब जो आकर जो 18वीं तरमीम के बाद और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंटें ख्वाजा अहमद तारक रहीम और मोहतरमा बेनजी की असेंबली और डिसॉल्व करने के बाद, और अगर हिस्सा रहे हो कमरान मुर्तजा साहब और उस 18वीं तरमीम के हवाले से, तो उसके इंटेंट पर्पज यही था कि आपने वोट कास्ट नहीं करना, वो अगर वो ये बड़ा वाजे तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है, और उसकी अच्छा वो वोट कास्ट किस हवाले से किया जा सकता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 17 को पढ़ लें, ये कलेक्टिव वोट की बात करता है, पार्टी वोट की बात करता है, ठीक है जी। और दूसरा मिसाल के तौर पर अगर आप आ जाएं आर्टिकल 55 पढ़ लें, आर्टिकल 63 पढ़ लें, तो कई चीजें क्लियर है। मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चीजें आ गई, वो फ्लोर क्रॉस तो कर चुके हैं, यानी वो जो मेंबर हैं 22 वो फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं। पर ये मामला आज मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी, वो पहले में सवाल रह गया था आपका, मैंने वो लेकिन जब तक अजहर साहब वो वोट डालेंगे नहीं
मतलब एक चोर का चोरी करने का इरादा है तो क्या वो मुल्जिम ठहराया जाएगा? नहीं, मैं यही फर्क बता दूं, ये पहली तो बात है, ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं हो रही, मैं क्लियर कर दूंगा। हम जो समझ बैठे हैं ना, ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, ये हम सिविल लॉ में हमेशा रिस्ट्रेन किया जाता है कि आप ये काम ना कर सकते। सिविल लॉ की इंटेंट ही ये है कि आप एक काम गलत है ना, तो आप यानी मैं आपको कहूं कि पर्चा दर्ज, यानी मिसाल के तौर पर एक पर्चा दर्ज हो गया, FIR को ऑपरेशन रोक दे, यहाँ इशू है सिविल लॉ में। सिविल लॉ में याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ये है कि सिविल लॉ में आप ऑपरेशन रोक सकते हैं, आप प्रोसीडिंग रोक सकते हैं, और स्पीकर बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तीन तरह के एक्शन ले सकता है। एक तो बड़ा वाजे तौर पर ये है कि मामला सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, भाई मैं इनके वोट मानता ही नहीं, जब तक वो आएगा तब मैं देखेंगे, रूलिंग दे देगा वो, जाएं आप रूलिंग चैलेंज करें, रूलिंग का इख्तियार तो उसका है ना, वो तो उसने देखना है कि डालने की इजाजत देनी है, इख्तियार उसके पास है, सिर्फ एक मामला। दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब शोकाज जारी कर चुके हैं पार्टी लीडर के तौर पर, और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जनाब इन्होंने डिफेक्शन कर ली है, अब इन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो पैसों का मामला है, ये सारा वो डेक्लेशन जब आ जाएगी, जब डेक्लेशन दे जाएगी, आइन कहता है कि पार्टी लीडर डेक्लेशन, वो डेक्लेशन कब होनी है, किस वक्त होनी है, चाहे कोर्टों में जाकर तय होगा या जाके स्पीकर जाके तय करेगा, वो रूलिंग देने का इख्तियार है, उन सबको आप वो साइड में आकर बाहर फेंक सकता है, ये याद रखिएगा। तीसरा भी मैं रिसेंट में आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की इस हवाले से कि बाकायदा इसका कमीशन बनाया जाए, फॉरन एजेंडा है यहाँ नजर आ रहा है कि अच्छे भले जाते हुए एक स्टेज के ऊपर आ गया, आप डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बैठे, ये भी तारीख में लिखा जाना है, हम जो तारीख में लिखे जा रहे हैं ना कि वजीर आजम इस पर अमल नहीं जाएगा, ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए फॉरन एजेंडा और सबूत सारे आ चुके हैं, यानी वैसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ अगर आप इसको देखें तो वहां पर रजिस्ट्रार ने एतराज लगाया Article 69 के हवाले से, जो स्पीकर की जो प्रोसीडिंग है, रिसेंटली यूसुफ़ज़ई गिलानी का फैसला भी आ चुका है, वो जो स्याह करता है सफेद करता है वो बादशाह है। अब ये बैठ के आपने और मैंने नहीं सिखाना कि स्पीकर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, भाई अदालत में रोजाना फैसले होते हैं, कहीं गलत होते हैं कहीं सही होते हैं, कहीं की इंटरप्रिटेशन गलत होती है कहीं की ठीक होती है, ये तो जाके बाद में बैठ के बाद में डिसाइड, वरना ऐसा मामला होता हर कोई देख रहा है कि वोट गलत काटे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं भाई उसने जो फैसला कर दिया। और यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो समझ रहा था कि नॉवल बोलना, फिर इस तारीख में अपने आप को जिंदा जावेद रखने के लिए तहरीक अदम एतमाद ये वापस ले जाती है और कहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुकम्मल आने दें इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद तहरीक अदम क्या बाद में आ सकती, नहीं आ सकती बाद में, क्यों नहीं आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन हम इसी को लेकर बैठे हैं तो नजर आ रहा है साल में काला है और कौम पूरा ये देख रही है और तारीख में ये लिखी जा रही है। मैं सही है आजाद साहब, शेख रशीद साहब जो है वो कौर तजवीज कर रहे हैं हुकूमत को, वो कहते हैं सब रिजाइन कर दे, मैं देखता हूँ ये कैसे हुकूमत चला के दिखाते हैं, तो कैसे नहीं निजाम है। चलाते हैं, सुनिए शेख रशीद साहब ने क्या तजवीज किया है। चार रास्ते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, दूसरा रास्ता इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है, तीसरा तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफी हो जाए, मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं, और आखिरी मैंने कभी दरखास्त नहीं की जिंदगी में, मैं अदारों से बराह रास्त दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है, लड़ाई मोहल्ले में चली गई है, मैं इंटरवीन नहीं कह रहा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं, मैं किसी गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं कह रहा, मेरा भाई है मेरा हल्का है। ये कामरान मुर्तजा साहब, ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हुकूमत के जहन में चल रही हैं, बस अल्लाह पाक रहम करे। एक और ऑप्शन भी है कि इनका मेडिकल टेस्ट भी साइकेट्रिस्ट कराया जाए, जरा पता चले कि ये अगर देखिए एक दस्तूरी रास्ता इख्तियार किया गया है राइटली या रॉन्गली, अच्छा समझा गया बुरा समझा गया पार्टीज ने, किसी को गद्दार कह देना, किसी को मिला हुआ किसी के साथ कह देना, और इस वक्त जिनका वोट बैंक आपके वोट बैंक से इज्तमाही तौर पे, चलिए उस इलेक्शन के नतज को तस्लीम भी करिए तो उनका वोट बैंक ज्यादा है, वो पार्टियां आपसे ज्यादा हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ऑफिस जो ना वो ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं और इस मुल्क में किसी न किसी हवाले से वो अपना जो है वो एक किरदार रखते हैं, उनको इस तरह आउट राइटली जो है ना वो गद्दार कह देना, बाहर के पैसों के साथ उनको लिंक कर देना, लेकिन हुकूमत का मौका बहुत बुरी बात हुआ करती है। ऑपोजिशन की ये जमातें जो हैं नोइंगली या अननोइंगली, जानते हुए या ना जानते हुए, ये लोग हुकूमत ये गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बन गए हैं या उनके खाकों में रंग भर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली, चलिए उसको फर्ज कर लीजिए ये नोइंगली या अननोइंगली जो ना इसको, मगर उसके साथ साथ एक और पैरेलल सिचुएशन है,
एक ऐसा शख्स जो मेजॉरिटी होल्ड नहीं कर रहा इस वक्त कौमी असम्बली में, वो इसके बावजूद जो है ना उसको दस्तूर के मुनाफी जो है ना उसको कंटिन्यू करने दिया जाए, क्योंकि बकौल एक ऐसे शख्स के या उसकी पार्टी के या उनके हमायतियों के हम नोइंगली या अनोइंगली जो है ना वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हम नोइंगली, ये तो दोनों बातों में तो शक है ना, नोइंगली और अनोइंगली, मगर हम नोइंगली जो है ना जानते हुए भी एक ऐसे शख्स को जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है उसको कंटिन्यू करने दिया जाए और वो दस्तूर के मुनाफी हम ये नोइंगली करते जाए, आप ये फरमा रहे हैं ना, या आपके जो साथी हैं वो जो बाकी जो यहां पे बैठे हुए दोस्त हैं वो यही फरमा रहे हैं ना, तो फिर दोनों में से फिर कौन सा नोइंगली अनोइंगली में तो शक है ना कि जी नोइंगली अनोइंगली हम इस्तेमाल हुए, मगर ये नोइंगली एक शख्स जो है ना उसके पास दस्तूर के मुताबिक जो है वो मेजॉरिटी नहीं है, मगर हम उसको जो है ना वो नोइंगली जो है ना वो कंसीड कर दें और कहें कि नोइंगली आप कंटिन्यू करें, और नोइंगली जो है ना आपका हक है कि क्योंकि हम शायद अनोइंगली या नोइंगली जो है ना इस्तेमाल हुए हैं इसलिए आप नोइंगली जो है ना आप कंटिन्यू करते जाइए और साल डेढ़ साल मजीद गुजार लीजिए, यही आपका कहना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आज चौधरी साहब ने भी सवाल रखता हूँ, खासतौर पर जो पटिशन आज शहबाज शरीफ के खिलाफ गई है, क्या वाकई अगर शहबाज शरीफ साहब को बेल दी गई है, प्री अरेस्ट बेल उनकी हाजिरी के बगैर, तो क्या ये गैर कानूनी है जो कि आज मौकफ इख्तियार किया गया, और क्या वाकई परसों जो बहस हो रही है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के इम्कान हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं आर चौधरी साहब, एक कंट्रोवर्सी तो ये पैदा हुई, एक सियासी डिबेट आप इसको कह लें कि जी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो गलत दिया, गवर्नर को भेजना चाहिए था, उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम लिखा, अगरचे वो बाद में गवर्नर को भेज दिया गया और गवर्नर ने उसको कबूल कर लिया गया, लेकिन चूंकि एड्रेस गवर्नर को नहीं किया गया तो गैर आइनी है, इस पर आपकी क्या राय है, ये क्या ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं हुआ या ये एक ऐसी छोटी माइनर मिस्टेक है, क्योंकि कबूल तो बहरहाल गवर्नर ने ही किया, दूसरी तरफ से ये आर्गुमेंट है, आप क्या समझते हैं? देखिए बाज चीजें ऐसी होती हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और बाज चीजें ऐसी होती हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, और वो गैर कानूनी थोड़ी अगर उसमें जाब्ता पूरा नहीं हुआ तो जिस तरह यानी पहले अगर ये जो मामला था यानी कहा जा रहा था कि स्पीकर का को चाहिए कि वो विद इन सच एंड सच टाइम स्पेसिफाइड टाइम वो इजलास का तलब करे, अगर वो नहीं करता तो उसने जनाब आइन से गद्दारी की है उसके लिए खिलाफ आर्टिकल 6, इसका जवाब तो अब मौजूद था कि आर्टिकल 254 जो है वो क्लियरली कहता है कि जो चीज़ जिस टाइम के लिए रखी गई है यानी अगर उस वक्त पे नहीं होती उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। इस लेकिन जहाँ तक स्पीकर के इख्तियारात का ताल्लुक है वो इतने बेहदो नहायत नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी मावरा हो जाए, यानी वो उसे ये इख्तियार यानी नहीं है कि अभी तक वोट जो है उस जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता इस वोट को उसे अलहदा रखने का कोई इख्तियार नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट का दायरे कल तक फैसला नहीं आता इस सूरत हाल में वो करेगा ऐसा तो वो गैर कानूनी होगा आइन के साथ, यानी उसे मैं गद्दारी तो नहीं कहूँगा लेकिन वो कोई आइन की यानी सही इंटरप्रिटेशन जो है यानी शेक की नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो मौजूद है उसमें आइन में जो रखी गई 63 उसके मुताबिक अभी वोट कास्ट होगा वोट और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो यकीनन आप सबको पता है कि किस तरह के हैं। अब आ गया मामला नीचे इसका गवर्नर साहब के उसमें गलती ये है यानी वो लिखा ऐसे ही है कि इट शुड बी एड्रेस्ड टू द गवर्नर। अब ये है कि जब इससे बात चीज़ें ऐसी होती हैं फेट अकम्पली होती हैं यानी अब गवर्नर को ये टेक्निकल सी बात है कि अगर वो इस्तीफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया गया और वो गवर्नर को किया गया तो इसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है कि सारा प्रोसेस जो उसके नतीजे में हो गया है वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। और ये रखी भी बात उन्होंने सिर्फ इसलिए है कि अगर तो कल कोई अहमदा शहबाज शरीफ इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर तो वोट ऑफ यानी ये जो उनका था इस्तीफा ये ठीक हो गया, और अगर वो नहीं जीतते तो फिर वो कहेंगे कि जनाब ये तो आपने इजलास ही गलत बुलाया था अब इजलास बुला ले अदरवाइज इसकी कोई चैलेंज हो सकता है आपके ख्याल में।
चैलेंज तो यकीनन अगर यानी अगर परवेज अली वज़ीर आला बनते हैं तो चैलेंज किया जा सकता है कि ये सब सारा प्रोसेस गैर कानूनी हुआ है। देखिए जो भी चाहे चैलेंज तो इसे कर सकता है, गलती तो ऐसी है कि यानी लिखा हुआ है आईन में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि इट शुड बी एड्रेस्ड टू दी अपने हाथ से, और दूसरा यह है कि एड्रेस टू दी गवर्नर। अब गवर्नर को उन्होंने एड्रेस नहीं किया तो जाहिर है कि ऐसी गलती है कि जिसको कोई शख्स चैलेंज तो कर सकता है, लेकिन चैलेंज उसी सूरत में करेंगे जब उनकी मर्जी के मुताबिक नतीजे ना आएंगे। अजहर सदीक साहब आपकी राय। नोइंगली जो है ना, नोइंगली का लफ्ज बड़ा बड़ा क्लियर है, नोइंगली और अनोइंगली। अगर अनोइंगली उन्होंने दे दिया है मिसाल के तौर पर अपना प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भिजवा दिया होगा अपना गवर्नर को, इसमें नो डिफरेंस। नोइंगली और अनोइंगली का फर्क डालना पड़ेगा ना अपना। जब आप मिसाल के तौर पर आप खुद आपको पता है कि जालसाजी कर रहे हैं, आप पैसे लेके काम कर रहे हैं, तो फिर वो नोइंगली हुआ ना। इन्होंने तो अडेप्ट हमारे कमरान भाई ने तो एडमिट कर लिया कि वो डिफेक्शन कर चुके हैं, खुद मान गए हैं कि नोइंगली वो कर रहे हैं सारा। इसका तो मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि कॉन्सिक्वेंस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। अब या इस तरफ बात आ जाएगा अगर एड्रेस करें फर्ज करें प्राइम मिनिस्टर को कर दिया। यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि सेशन कोर्ट ने दायर कर दी तो दो तरीके होते हैं, या तो कहते हैं वापस दे लें, या वो कहते हैं वो बैठा कर भेज दे जाए कि फलां कोर्ट में आप ट्रांसफर कर दिया पाए, उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। यानी यहाँ तो हम इन चीजों की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, जल फर्ज करें वो गलती से लिख दिया है, वो हाथ से काट के अगर वो लिख देंगे जनाब प्रेसिडेंट की जगह पर प्राइम मिनिस्टर की जगह ये चला गया उनको, ये तो असल में कंफ्यूज हुए पड़े हैं। अब मैं तो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मामला देख रहा हूँ ना, जो मर्जी आप कर लें, नान खान इनके लिए नींद ही इन्हें बेचारों की आराम कर दी है, इनके लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं, इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा क्या करना नहीं करना। सारे इकट्ठे हो आप अंदाजा लगाए यार, मैं तो हैरान बनाओ कि सारे खड़े इकट्ठे होके उस आदमी को आप लताड़ना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा बड़े स्कूल से आप लोगों को अपना डील भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है और बैठा भी हुआ है, ये नहीं कहीं भागा हुआ है। और आप देख, मुझे दुख और अफसोस करना है सब इस बात भी होता है कि आर्टिकल 63A को जब डाला गया था ना, आज अभी देखिए मिसाल के तौर पर वो पता लगा जी जहांगीर तरीन खान ग्रुप, अच्छा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आप अंदाजा लगाएं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब रह गया क्या? डिफेक्शन तो आप कर चुके हैं, आप बोल प्रोसेस कर चुके हैं, आपने इंटेंशन मोटिव सारा दे दिया, तो सिविल कोर्ट के हवाले से ये बड़ी, मैं इस बात से इत्तेफाक बहरहाल नहीं करता, स्पीकर के पास इस हवाले से बड़ा वाजे तौर पर इख्तियार मौजूद है, तो उसे नजर आ गया है कि अब जब मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं वोट डालना तो दूर की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो डिफेक्शन हो गई। सर नहीं, उसको मिलाए ना यार, सर उसको मिलाए आप इसके साथ, आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है कि पार्टी का जो सदर है वो डेक्लरेशन दे देगा, वो डेक्लरेशन गलत बाद में देनी है, पहले देनी है, ये बात की बातें हैं सारी। डेक्लरेशन दे दी, जब उसने डेक्लरेशन दे दी तो आपका जो स्पीकर है वो पाबंद है उस डेक्लरेशन को मानने का, वो वोट नहीं डालने देगा उस डेक्लरेशन की बुनियाद पर। अभी अलीम खान के ग्रुप ने भी ऐलान कर दिया है डिफेक्शन, इन्होंने भी कर दिया है। तो ये डिफेक्शन डिक्लेरेशन पे होती है या वोट कास्ट करने पर होती है अजहर साहब? ना डिक्लेरेशन पे अजहर साहब, ये ये जो ओके आर्टिकल अगर आप देख, अच्छा आप आर्टिकल यूं करें ना, मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ आर्टिकल 63, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ आर्टिकल 63A में, देख लें पार्टी लीडर ने क्या करना है। पार्टी लीडर ने पार्टी लीडर के पास जब इख्तियार आएगा सामने और आईन ने जब फराम किया हुआ है और ये काम सारा दे दिया है, ठीक है ना जी, और क्या लिखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ जी प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन पार्टी लीडर शैल हो गया एंड द हेड ऑफ द ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय अ पॉलिटिकल बाय अ पार्टी हैड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज है। चले कामरान मुर्तजा साहब से राय ले लेते हैं, ठीक है जी। कामरान मुर्तजा साहब वो कह रहे हैं जब डिक्लेयर कर दिया तो डिफेक्शन हो गई, उसने अपनी इंटेंशन बता दी। नहीं ऐसा नहीं है, इसके दो हिस्से हैं आर्टिकल 63A के, और उसमें मेरे भाई ने नहीं देखा कि उन्होंने जो इमरान खान ने जो इन्वोक किया कौन सा हिस्सा इन्वोक किया है और कौन सा हिस्सा बाकी है। पहला हिस्सा जो है उसका, आप किसी पार्टी के टिकट पे मुंतखब हों और वो आप पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, ये इसका एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा जो है वो रिलेट करता है प्राइम मिनिस्टर के वोट के हवाले से, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से भी और बजट स्टेटमेंट के हवाले से भी, वो हिस्सा नहीं आया। अब तक जो 13 लोगों को नोटिस इशू किए हैं इमरान खान साहब ने,
वो सिर्फ उनको ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्योंकि अभी तक तो दूसरा वाकया हुआ ही नहीं, तो जो नोटिस इन्होंने इशू किए हैं वो इस हवाले से इशू किए थे कि उन्होंने आपने ये पार्टी छोड़ दी है इस, तो उनका जवाब जो है वो उन 13 लोगों ने या 13 में से कम लोगों ने या उसमें से ज्यादा लोगों ने ये जवाब दिया कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने नहीं छोड़ी। तो ये उन्होंने ये एक हिस्सा है 63A का, ये ए पार्ट है या उसका रोमन वन पार्ट है, ठीक है ना जी। अभी तक दूसरा हिस्सा मामला जो है ना वो वकूफ पजीर नहीं हुआ। तो अब ये देखते हैं कि इस हवाले से जो 13 लोगों को नोटिस जो ये दिए थे उसके हवाले से इमरान खान के पास जो है ना कल उनकी पटारी में क्या है, वो स्पीकर को क्या वो देते हैं, वो जिसके बाद फिर दो दिन अगले जो है ना वो रेलेवेंट हो जाते हैं, दो दिन मामला जो है वो रहता है उसके पास स्पीकर के पास, या दो दिन से पहले भी वो भिजवा सकते हैं। मगर इसके बाद अगेन जो है वो ये नहीं होगा कि वो उसको वोट देने से रोक देंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लियर कह चुकी है वोट के हवाले से। उसके बाद वो जब तक उनका मामला इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा और वो उनके सुनने के बाद डी नोटिफाई ना करे या इस रेफरेंस को वापस ना करे, वो इस ईवान का हिस्सा रहेंगे। ये है इसमें लीगल पोजीशन। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आरिफ चौधरी साहब और अरशद सिद्दीक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए।